बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले 6 क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करना है आपने, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, 4, 3। एक पॉइंट आपने फाइंड करना है जो कि एक लाइन सेगमेंट पर मौजूद है और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। यहाँ लिखा है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स, वो पॉइंट मालूम करना है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:1 में, 3:1 रेशियो में इंटरनली। अब इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है, इंटरनल डिवीजन को डिस्कस करते हैं। इंटरनल डिवीजन पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स मैं ले लेती हूँ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। इस पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ पी। ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज कर लेते हैं x, y। ए से लेके पी तक डिस्टेंस एम ले लेते हैं और इसी तरह पी से लेके बी तक के डिस्टेंस को हम एन कह देते हैं। तो ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को m:n के रेशो में कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है लेट सपोज 6 एंड एम पी से लेके बी तक के डिस्टेंस को मैं कह देती हूँ ये 3 है। तो इसे हम रेशो में भी लिख सकते हैं 6:3 और ये हमारे पास बनता है 2:1। इसका क्या मतलब है कि पी पॉइंट 2:1 के रेशो में इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें गिवन है इसको 3:1 के रेशो में इंटरनली कट कर रहा है। अब इंटरनल डिवीजन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। m(x2, n(x1) डिवाइडेड बाय m+n, m(y2, n(y1) डिवाइडेड बाय m+n। ये है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले वर्डिंग करेंगे लेट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई कह देते हैं। फाइंड द पॉइंट, जो पॉइंट मालूम करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई कह रहे हैं। इसका नाम मैं रख देती हूँ पी पॉइंट। लेट पी इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं ए का, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं पी का, ए को बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और ये पॉइंट इस लाइन को रेशो में काट रहे तो हम इसे लिखेंगे इन द रेशो 3:1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले को इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले को हम रेशियो थ्योरम भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले का नाम है रेशियो थ्योरम। हम लिखेंगे यूजिंग रेशियो थ्योरम, और इसे आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू m(x2, n(x1) डिवाइडेड बाय m+n, m(y2, n(y1) डिवाइडेड बाय m+n। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग करते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, इसे नाम दे देते हैं x1, y1 का। b के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 3, इसे नाम दे देते हैं x2, y2 का।
फर्स्ट रेशो को नाम दे देते हैं एम का, सेकंड रेशो नाम दे देते हैं एन का। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, एम की जगह थ्री रखेंगे, एम बराबर है थ्री के, एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू है फोर प्लस एन, एन की वैल्यू है वन एंड एक्स वन बराबर है फोर के, एम प्लस एन थ्री का थ्री प्लस वन, एम की वैल्यू है थ्री, वाई टू की वैल्यू है थ्री प्लस एन इन टू वाई वन, एन की वैल्यू है वन एंड वाई वन की वैल्यू है माइनस वन, थ्री प्लस वन, थ्री इंटू फोर बनता है ट्वेल्व, वन इंटू फोर बनता है फोर एंड थ्री प्लस वन इज फोर, थ्री थ्री इज नाइन, वन इंटू वन माइनस वन दैट इज माइनस वन एंड थ्री प्लस वन इज फोर, ये होता है सिक्सटीन बाई फोर, ये बनता है एट बाई फोर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं हमारे पास, फोर वन फोर, फोर फोर सिक्सटीन, फोर वन फोर फोर्टी फाइव, तो ये बनता है फोर कॉमा टू। इसी को आप वर्डिंग में लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर फोर कॉमा टू, दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक क्लास में शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।